हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका एक आपका अपने चैनल प्रियल मैम रीजनिंग पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ इनइक्वालिटी का पार्ट टू, जिसमें हम देखेंगे ईदर और का केस। नॉर्मल इनइक्वालिटी आप बेसिकली सभी को आती होगी कि भाई कैसे करते हैं, पर मेनली दिक्कत पड़ती है आपको इनइक्वालिटी करने में, भाई कम से कम समय में और विद एक्यूरेसी के साथ कैसे हम ईदर और का केस देखेंगे। भाई या तो वन या तो ये, जब भी शब्द या आ जाता है, जब भी आप ये शब्द देखते हैं या, तो आपके दिमाग की घंटियां बजने लगती है भाई ये क्या आ गया। तो इसी का डर खत्म करने के लिए आज ही मैं आपका टॉपिक टू लेके आई हूँ। क्लास नंबर टू है, SBI क्लर्क को टारगेट करके करी जा रही है ये क्लासेस, और लेकिन ये सभी एग्जाम्स में काम आएंगी भाई। चाहे आपका SBI हो, चाहे आपका IPS होगा, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, हर बैंकिंग एग्जाम में यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स। आप सभी को पता है इफ यू आर बैंकिंग एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप सभी को बताओगे 5 नंबर के आते, तो आप 5 नंबर विद इन 5 सेकेंड्स, क्या है भाई 5 नंबर 5 सेकेंड्स में कैसे ले सकते हैं भाई, इसको हम यहाँ पे देखेंगे भाई। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से ही। पहले नंबर का सवाल देखेंगे और देखेंगे भाई ईदर और का केस हम कैसे देखते हैं। भाई ये क्लासेस आपके लिए रिकॉर्ड चलाई जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है दिक्कत चल रही है, लेकिन आपका कम से कम टाइम का वेस्ट किए हुए, कम से कम टाइम लेके मैं आपको ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करूंगी भाई इन वीडियो के माध्यम से, ठीक है। डेली आपका 7 बजे, डेली आपकी 7 PM ये क्लासेस लाइव चला करेंगी, ठीक है। आप लोग देखा करें, ज्यादा लंबी वीडियोस होंगी नहीं, केवल कंसेप्ट बताया जाएगा करेगा आपको, और टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां पे आप लोग क्वेश्चन दिए जाए करेंगे, ठीक है। सो सवाल नंबर पहला देखते भाई, पहला सवाल आपके सामने आया है, और अगर आप लोगों ने इसका पार्ट वन ना देखा है, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन जरूर देख लीजिए, उसके बाद ये पार्ट टू देखेगा भाई, ठीक है। क्या है आपका WY इज इक्वल्स टू X ग्रेटर देन Q ग्रेटर देन S, फिर हो गया W ग्रेटर देन S X, W इज इक्वल्स टू X। कुछ इस प्रकार से सवाल दिया होता है आपके एग्जाम्स में, सवाल कुछ इस प्रकार का होता है कि आपको एक क्वेश्चन दे रखी होगी और आपको पूछा होगा कि भाई इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। जैसे हमने पार्ट वन में देखा था कि हम चलना शुरू कहां से करते हैं, जहां पे मुंह खुला होता है, इसका मुंह यहाँ पे खुला है, चलना हम यहाँ से आ जाएंगे भाई, कहाँ जाएंगे भाई यहाँ से जाएंगे, चलना शुरू करते हैं, W हमारा ये रहा, X हमारा ये रहा, चलना शुरू किया, W से Y गए, Y से X गए भाई, हम बिना कोई दिक्कत के पहुंच गए, बिल्कुल भाई बिना कोई दिक्कत के हम W से X पहुंच गए, पर दिक्कत क्या है भाई, पहुंच तो गए, तो बहुत सारे बच्चों ने तो खुशियां उन्होंने स्टार्ट कर दी भाई, पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए, पर नहीं, इसे ये पहुंचना पहुंचना नहीं कहलाता। मैंने आपको लास्ट टाइम ये भी बताया था कि भाई अगर राजा होगा तो राजा आएगा, अगर राजा नहीं है तो मंत्री आएगा। आप बताओ कहीं इन दोनों में, यहां से यहां तक के रास्ते को तय करने में कहीं पे राजा दिख रहा है भाई? नहीं है। ये रहा मंत्री, ये रहा जनता, केवल मंत्री और जनता है। जब जनता और मंत्री होगा तो बीच में क्या आएगा भाई? मंत्री आना चाहिए था। आंसर आपका ये होना चाहिए था, आंसर आपका ये होना चाहिए था, पर ये नहीं है, ये है गलत भाई, दोनों अलग चीज है, ये राजा है मंत्री है, राजा मंत्री का मुकाबला ही नहीं है, जब राजा है ही नहीं राजा क्यों लिखेंगे भाई, गलत हो गया। यहां पे चलेंगे भाई, W और X के बीच में यही आना है, ध्यान दीजिएगा भाई, W और X के बीच में यही चीज आनी है, यहाँ पे वही चीज अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे ये है यहाँ पे ये है, तो ये भी गलत ये भी गलत, दोनों गलत हो गए भाई, दोनों की दोनों गलत हो गए, हमें बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, W से X पे पहुंच तो जाएंगे, लेकिन दिक्कत कहाँ पे, हमारे पास मंत्री आना चाहिए था, और यहाँ पे जनता है और यहाँ पे राजा है, दोनों ही गलत है। पर देखो यहां से हमने एक बात सीखी, क्या भाई, जब हम 1 को और 2 को मिलाएंगे, जब हम राजा और राजा को जनता को मिलाएंगे, तो हमारे पास एक बात आएगी, W इसका ये और प्लस इसका ये, यही है, इसको और इसको मिला दे सिंबल को, तुम्हारे पास ये बनेगा, मतलब W ग्रेटर देन इज इक्वल टू X, यही चीज बन रही है हमारे पास, यही चीज बन रही है, मतलब यहां से हम एक बात समझे, जब भी दोनों एलिमेंट्स गलत हो, क्या है कंडीशन लिखिएगा भाई, आप लोग कंडीशन नोट डाउन कर लिएगा, कंडीशन क्या होती है भाई इसकी, अगर पहली चीज एलिमेंट सेम हो, यहां W है यहां X है यहां X है यहां W है, अगर एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट सेम होने चाहिए, दूसरी क्या है, दोनों गलत हो, दोनों गलत होने चाहिए भाई, दोनों गलत हैं, एलिमेंट सेम है ये भी रॉन्ग है सेपरेटली, ये भी रॉन्ग है सेपरेटली, तीसरा क्या है, दोनों को मिला के, दोनों को मिला के सही आंसर आना चाहिए, दोनों को मिला के
मिला के सही आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए, तब हम मानते हैं क्या चाहिए। आई बात समझ में? जब सही आंसर आएगा तब हम मानेंगे इसको इधर और है। तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, जो लोग पहली बार इनइक्वालिटी पढ़ रहे हैं आपके लिए तो बहुत जरूरी है। एग्जाम में आप देखोगे, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा भाई, आपको मेनली इधर और केस मिलेगा। नॉर्मल केस बहुत कम होंगे, 90% बच्चे आप यहाँ पे नीदर लिख के आएंगे, नीदर वन नॉट टू लिख के आएंगे, ये लिखे आएंगे, पर ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। आंसर आपका इधर आएगा, आंसर आपका इधर वन और टू आएगा, ये बात ध्यान देखिएगा। आई बात समझ में? तो ये था आपका पहला प्रश्न जो आपको समझ में आया। मेनली बात क्या थी, दोनों गलत के होने के बाद दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास कंडीशन सही वाली बननी चाहिए, जो सही थी वही बनी हमारी। तो ये चीज थी आपको पहली बार ध्यान देने वाली। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आप सभी लोग नोट डाउन करते चले भाई, वीडियो शॉर्ट होगी, ज्यादा बड़ी नहीं होगी, मैं आपका ज्यादा समय भी नहीं लूंगी, कम समय में ज्यादा देने की कोशिश जरूर करूंगी मैं आपको, ठीक है। हर एक पॉइंट जरूरी है, नोट कर चलने बढ़िया आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर टू क्या है, ए लेस देन बी लेस देन सी, फिर है सी लेस देन डी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन एफ। पहला वाला है आपका डी ग्रेटर देन ए, दूसरा वाला है ए ग्रेटर देन डी, बताएं भाई इनमें से कौन सा सही होगा। भाई दूसरा सवाल आपके सामने है, कोशिश कीजिए सवाल को करने की, भाई बहुत आसान सवाल है, जैसा अभी मैंने आपको बताया सेम वही चीज है, अप्लाई करनी है इसमें। शुरुआत कहां से करेंगे भाई, डी से ए जाना है, ए से डी जाना है, भाई चलना शुरू करें, ए ये रहा डी ये रहा, पहले डी से ए, डी से कॉमन क्या है सी, सी कॉमन है, सी के थ्रू जाएंगे, पहले डी से मैं सी गई, सी से बी गई, बी से ए गए, बिना कोई दिक्कत के पहुंच गए, बिल्कुल सही सलामत पहुंच गए भाई, डी से ए पहुंच गए, पहुंच तो गई मैं, खुशियां मना ली मैंने, पहुंच गई। दूसरी चीज मैंने देखी भाई, एक बार राजा आ गया, अगर एक बार कहीं राजा आ गया तो राजा ही आना है, तो बिल्कुल सही है भाई, इस कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं है। जब डी से ए सही है तो उल्टा तो गलत होना ही है भाई, ये आपका गलत हो गया। जब रास्ता डी से ए है तो ए से देखो, ए से बी गई गलत है, एग्जिट है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है इसकी चोच लगी हुई है, पॉइंट लगा हुआ है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो ये गलत है ये सही है भाई। कुछ बच्चे यहाँ भी इधर लगाएंगे, कुछ बच्चे यहाँ भी इधर और लगाएंगे, क्योंकि देखो एलिमेंट सेम आ गए भाई, एलिमेंट्स को सेम देखते ही बहुत बच्चे इधर लगा देते हैं, पर ध्यान रखिएगा इधर के लिए तीनों कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी तीनों कंडीशन बन रही है तभी आप इधर लगाएंगे, इस टाइप की कंडीशन में आप इधर नहीं लगाएंगे जब आपके एलिमेंट सेम हो। एलिमेंट सेम जरूर हो सकते हैं पर तीनों कंडीशन फॉलो जब होंगी तभी आपका इधर और लगेगा भाई, ठीक है। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर टू, नोट कर चलना भाई सभी लोग। तीसरा एग्जाम्पल लेती हूँ मैं आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर थ्री, एच लेस देन आई लेस देन पी लेस देन जे, जे ग्रेटर देन ई इज इक्वल टू टी, ठीक है। एच लेस देन जे पहली है, दूसरी है आपकी एच इज इक्वल टू जे, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा बहुत आसान है, जैसा अभी अभी मैंने किया सेम टू वे वैसे ही करना है आपको। जे से मुझे एच जाना है, जे देखिए गेरा एच ये रहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। जे से पी गई, पी से आई गई, आई से जे गई भाई, बिल्कुल पहुंच गई, बिना दिक्कत के पहुंच गए भाई। लेकिन पहुंचते समय मैंने ध्यान दिया भाई कि सब जगह मंत्री आ रहा है, राजा तो कहीं पे आया ही नहीं, तो यहाँ पे तो राजा है, गड़बड़ है भाई, हिसाब गलत है। आना क्या चाहिए था भाई, ये आना चाहिए था, आना ये चाहिए था, आ ये गया, गड़बड़ हिसाब भाई, गड़बड़ हिसाब है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि एच और जे के बीच में ये चीज आनी है, इसके अलावा जो भी आएगा वो गलत ही माना जाएगा। एच और जे के बीच में ये आना है, इसके अलावा जो भी आएगा वो गलत ही माना जाएगा। पर हमने देखा एलिमेंट सेम है भाई, एलिमेंट सेम है, दोनों की दोनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, गलत हो गया। दोनों को मिला के अगर इन दोनों को मिला देंगे तो यही बनेगा, इसको मिलाएंगे तो यही बनेगा, तो आपका क्या हो जाएगा, इधर वन और टू, इधर वन और टू ये बन जाएगा।
ठीक है। तो ये हमने सीखी भाई इधर और की पहली कंडीशन जो मैक्सिमम सभी को आती है, मैक्सिमम सभी लोगों को यही एक कंडीशन है जो आती होती है। पर इधर की एक और कंडीशन होती है जो बहुत कम बच्चों को या बहुत कम लोगों को आती है भाई। YouTube में भी आपको बहुत कम लोग ऐसे मिलेंगे जिनको इधर और की एक और कंडीशन है जो आती है भाई। देखते हैं भाई, इधर और की एक और कंडीशन होती है जो बहुत कम लोगों को आती है भाई। देखते हैं वो कंडीशन क्या है। ठीक है भाई, देखिएगा सवाल, देखते हैं भाई हम लोग सवाल क्या है आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, P greater than Q is equals to S greater than T, फिर है T greater than R is equals to Y। सवाल पहला है P greater than is equals to T, पहला हो गया। दूसरा हो गया आपका P less than T। ठीक है, सवाल आपका ये है। अब देखते हैं भाई, सवाल देखिएगा, ये आपकी कंडीशन ये रही। अब देखते हैं भाई इसमें क्या लगेगा। T से हमें P से T जाना है और T से P जाना है। पहले P से T जाते हैं, P ये रहा, T ये रहा। P से Q गए, Q से S गई, S से T गई भाई, बिना दिक्कत के पहुंच गई। और बीच में राजा आना है भाई, गलत हो गया। बीच में आना क्या है, राजा आना है। बीच में तो भाई राजा आना है, गलत हो गई कंडीशन। तो ये कंडीशन गलत हो गई। दूसरा देखते हैं भाई, P और T ये रहा, टी से पी जाना है भाई, टी से पी जाने सकती भाई। टी से अगर मैं एस जाऊंगी गड़बड़ हो गई भाई, साफ गड़बड़ है। यहां तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी, यहां तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगी। तो ये क्या हो गया भाई, ओनली कोई भी नहीं, नीदर आएगा भाई, नीदर आएगा, कोई भी सही नहीं है। तो ये मत देखेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा ये चीज। देखो यहां भी क्या है, एलिमेंट सेम है, एलिमेंट सेम है दोनों जगह, दोनों गलत है, दोनों गलत है। पर हमारी आखिरी कंडीशन सही नहीं बैठी क्या, कि दोनों को मिला के सही कंडीशन बननी चाहिए। इन दोनों को मिला के कैसे भी मेरे पास ये वाली कंडीशन नहीं आ रही है। इन दोनों को मैं कैसे मिलाऊंगी पर मेरे पास ये वाली कंडीशन नहीं आएगी, तो इसलिए मेरा ये वाला सवाल भी गलत हो गया। मतलब नीदर आएगा, इधर नहीं आएगा। तो पहचानिएगा कि कहां पे इधर लगता है, कहां पे नीदर लगता है, ये बहुत जरूरी है। आंखें बंद करके ये मत सोच लीजिए कि भाई एलिमेंट सेम है तो इधर ही लगेगा, नहीं। ऐसी बहुत सारे केसेस होते हैं, मैं दिखा भी चुकी हूं आपको, जहां एलिमेंट सेम होंगे, दोनों गलत भी होंगे, पर फिर भी इधर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तीसरी कंडीशन फॉलो होना बहुत जरूरी है अगर आपको इधर का केस लगाना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। एसबीआई की अगर आप तैयारी कर रही हैं तो यही तरीका है। ऐसे ही आपको घुमा घुमाए क्वेश्चन दिए जाएंगे जहां आपको चीजें लग रहा होगा भाई हो जाएगा आंसर सही भाई, लेकिन आखिरी में वो गलत हो जाएगा भाई। इस बात को ध्यान दीजिएगा भाई। अगर आपको पसंद आया हो तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा भाई। ये आपके लिए करवाया जा रहा है, आपकी डिमांड पे ये चैनल चलाया जा रहा है और आपकी डिमांड पे ये क्लासेस को शुरुआत करी है। तो आप सभी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलके लाइक करें और इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के ऊपर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन ही रहती है कि भाई इधर क्या है और नीदर क्या है भाई, कहां इधर लगेगा कहां नीदर लगेगा हमें नहीं आता। इसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, हो सकता है आप भी उस बच्चों में से हो जिनको इस चीज में कंफ्यूजन रहती हो। तो आपसे निवेदन यही है भाई, जितना हो सके शेयर कीजिए। इसी प्रकार की और भी वीडियो आती रहेंगी आपको विद कंसेप्ट के साथ, नया नया कंसेप्ट लेके आऊंगी आपके सामने, नई चीजें सिखाऊंगी भाई, आपके एग्जाम में आने वाली है बहुत ज्यादा काम ये चीज, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो जिसने भी पहली वीडियो ना देखी हो फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा, सेकंड में आपके सामने आ ही चुकी है, तीसरी वीडियो में कल का इंतजार कीजिएगा। कल शाम को 7 बजे वापस से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय।